Allah'ın suyu ne? Bu adam katil! Katil! Bekir katil değil. Katil Kasım Ağa. Hello friends, welcome back to my channel. So friends, Yemen season 4 की next episode की story तो बहुत ही ज़्यादा interesting होती जा रही है. Mrs. Behan बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एमए के घर आती हैं और गुलपरी को मारना शुरू कर देती हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. लेकिन फ्रेंड्स, बैकी अंकल आकर मिसेस बिहान का हाथ पकड़ लेते हैं कि अब से मज़ीद आप मेरी बेटी को मार नहीं सकती. मिस बिहान बैकी अंकल को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं. और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, डॉक्टर केमाल और नरीन को बताते हैं कि बेबीज़ की डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही. नारीन और केमाल ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं. होपफुली फ्रेंड्स कि केमाल और नरीन को मज़ीद मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा. फ्रेंड्स, आमिर उस साथी से पूछगिछ करने के लिए हॉस्पिटल में आता है जिसने इनके घर पर फायरिंग की थी. और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मिस बिहान बहुत ही गुस्से में गुलपरी के बाबा को कहती हैं, तुमने कत्ल किया था, तुम में कातिल हो. लेकिन फ्रेंड्स, इतने में सेवाश भी वहाँ पर आ जाता है और वह मिस बिहान से कहता है कि बैकी ने कुछ भी नहीं किया, वो एक कातिल नहीं है, बल्कि कत्ल तो कासिम ने किया था. सेवाश के मुंह से अपने बाबा के लिए ये अल्फाज सुनकर मिस बिहान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और वह गुस्से में सेवाश पर हाथ भी उठाती हैं. दर गुलपरी के पापा इससे कहते हैं कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता. आफ्टर डैट फ्रेंड्स, गुलपरी अपने रूम से रोती हुई आती है और इसके हाथ में एक लेटर होता है. आमिर और सेवाश गुलपरी को इस तरह देखकर बहुत घबरा जाते हैं और आमिर गुलपरी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो. और गुलपरी आमिर को बताती है कि मेरे पापा मेरे लिए ये लेटर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं. ये सुनकर सेवाश और आमिर भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि आखिर बैकर अंकल कहाँ गए. तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या गुलपरी दोबारा से अपने पापा से मिल पाएगी या फिर नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और फ्रेंड्स, कैसे लगे आज के वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.